तो आज हम सीखेंगे कि अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड और उसमें स्क्रीन सेवर वगैरह कैसे लगाते हैं। आपको माउस के राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे पर्सनलाइज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे ये थीम है जो आपके विंडोज़ के साथ जब इंस्टॉल होता है तब आता है, या फिर आप यहाँ पे विंडोज 7 का जो ऑफिशियल थीम है वो, या फिर आप इसमें आर्किटेक्चर, कैरेक्टर्स, लैंडस्केप, नेचर, ये हर विंडो में अलग अलग होगा। विंडोज 10 में अलग होगा, विंडोज 7 में अलग होगा, और बाकी विंडो 8 में अलग होगा, अलग अलग होंगे। बाकी अगर आपको अपनी तरफ से कुछ लगाना है तो वो भी मैं भी बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, विंडोज़ कलर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कलर से अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाएंगे। देखिए ये टास्क बार में इधर कलर चेंज हो रहे हैं। चेंज द कलर ऑफ योर विंडोज बॉर्डर स्टार्ट मेन्यू इन टास्क बार, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू का भी कलर यहीं से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर इंटेंसिटी, आप यहाँ से कितना डार्क रखना चाहते हैं, कितना लाइट रखना चाहते हैं। शो कलर मिक्सर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ह्यू सेचुरेशन ब्राइटनेस HSB आपको मिल जाएगा कि आपको कितना एच रखना है, कितना एच मतलब ह्यू कितना रखना है, सेचुरेशन कितना, और ब्राइटनेस। जैसे ह्यू सेचुरेशन ये होता है कि मान लीजिए आपको ग्रीन लेना है और ग्रीन कलर में फिर आपको ग्रीन मतलब लाइट ग्रीन लेना है या बिल्कुल डार्क ग्रीन लेना है। फिर उसके बाद रहती है ब्राइटनेस कि आपको इस कलर में कितनी ब्राइटनेस चाहिए और कितनी डार्कनेस चाहिए। तो इस तरीके से ये ह्यू सेचुरेशन ब्राइटनेस होता है। और फिर जब आपने कलर चेंज कर लिया है जो भी आपको करना है तो आप सेव चेंजेस पर चले जाइए। एडवांस अपीयरेंस सेटिंग्स में आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के आइटम, 3D ऑब्जेक्ट्स, ये थोड़ी अलग चीज़ें हैं तो आप इसमें भी नहीं जाइए। हम आप लोगों की डिमांड होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इसको बना के दूंगा। खैर अभी अब हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं। अगर आपको कोई अपना थीम लगाना है तो आप अपने पिक्चर्स में जाके, अपनी डायरेक्टरीज में जाके पिक्चर में जाएंगे। सबसे इजी तरीका यही है कि राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तब यहाँ से ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इसमें चेंज कर सकते हैं।